प्लेलिस्ट का लिंक दिया पॉइंट थ्री इस चैप्टर का, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। आखिर इंडिया में वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। और इसके पहले हमने इंडिया में इलेक्शन के प्रोसेस को देखा था पिछले वीडियो में और पिछले टॉपिक में, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, हम बहुत सारे न्यूज़ पढ़ते हैं, बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती है कि इलेक्शंस में बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं, अनफेयर तरीके से लोग इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं। न्यूज़पेपर और जो टेलीविज़न होते हैं वो उसमें हमेशा रिपोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं इस तरीके के आरोप लगाते हुए या फिर इस तरीके की बातें करते हुए, और ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स होते हैं वो इन चीज़ों को लेकर होते हैं। पहला तो वोटर लिस्ट जो होता है उसको लेकर, कि वोटर लिस्ट में गलत नामों को जोड़ दिया गया और जो सही नाम है उनको हटा दिया गया। दूसरा कि जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या फिर गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, इन चीज़ों को मिसयूज़ किया गया चुनाव लड़ने के लिए, रूलिंग पार्टी के पक्ष में एक तरीके से माहौल बनाने के लिए या फिर उसको जिताने के लिए। और तीसरा, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी, यानी कि ज़्यादा पैसों का ज़्यादा इस्तेमाल करना जो लोग अमीर हैं उनके द्वारा, अमीर कैंडिडेट्स द्वारा और बड़े पार्टियों द्वारा। और उसके बाद है जो वोटर्स हैं और उनको एक तरीके से इंटिमिडेट करना, इस तरीके के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो देखिए, बात यह है कि इस तरीके के जो रिपोर्ट्स आते हैं इसमें से ज़्यादातर सही होते हैं और हम इन चीज़ों को देखकर बहुत ही नाखुश होते हैं, हमें उतना अच्छा नहीं लगता जब हम इस तरीके के रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो चीज़ें होती हैं, इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, ये बहुत ही छोटे स्केल पर होते हैं और ये इतने बड़े स्केल पर नहीं होते कि किसी कैंडिडेट को एक तरीके से जिता दें या फिर उसे प्रधानमंत्री इंडिया का बना दें, नहीं, उस स्केल पर नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करने की, तो वो आप एक वार्ड के वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ कर सकते हैं या फिर एक गांव के थोड़े मोड़े वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पूरे इंडिया के वोटर लिस्ट की या फिर अगर हम बात करें किसी एक कंस्टिट्यूएंसी के वोटर लिस्ट की, तो उस लेवल पर हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हम क्या कोई भी नहीं कर सकता है, और वैसा करने पर तुरंत ही पकड़ा जाएगा और वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो देखिए, ये इतने बड़े स्केल पर नहीं होते कि किसी इलेक्शंस को जिताने या फिर हराने जितना प्रभाव डाल सके। और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी अगर हम बेसिक क्वेश्चन एक तरीके से सामने रखें। क्या कोई पार्टी चुनाव जीत सकती है अगर उसको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि उसने इलेक्ट्रल माल प्रैक्टिसेस किए हैं, यानी उसने गलत तरीके अपनाए हैं चुनाव जीतने के लिए? तो नहीं, ये उतना सही नहीं होगा, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन नहीं होगा। और आइए हम एग्जामिन करते हैं कि आखिर भी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम इन बातों को नहीं मान सकते कि सिर्फ माल प्रैक्टिसेस की वजह से कोई भी पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत सकती है। सबसे पहला टॉपिक हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। हम अब पढ़ने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंडिपेंडेंट संस्था है और उस पर सरकार या फिर किसी और का दबाव नहीं होता है। तो देखिए, एक बहुत ही आसान तरीका है कि जो इलेक्शन है वो फेयर है या नहीं है, इसको चेक करने का, कि आखिर इलेक्शन को करवाता कौन है, क्या इलेक्शन को सरकार करवाती है या फिर सरकार कराती है और या फिर सरकार या फिर जो रूलिंग पार्टी है वो इस इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज कर सकती है या फिर इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर इन चीज़ों, इस तरह के सवाल अगर हम सामने रखेंगे, तो हमें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और ये भी बात है कि क्या सरकार के पास इतना पावर्स है कि वो जाकर जो फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं उसको प्रभावित कर सकती है और उसको एक तरीके से प्रभावित रोक सकती है। और ये भी सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतने पावर्स हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा सकती है, और अगर पावर्स हैं तो वो इन पावर्स को किस तरीके से यूज़ करती है और कितनी सही तरीके से यूज़ करती है। तो देखिए, जो आंसर है इन सभी क्वेश्चंस का, ये हमारे कंट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है। हमारे कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट किया जाता है एक इंडिपेंडेंट संस्था द्वारा और बहुत ही पावरफुल संस्था द्वारा, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। तो देखिए, इसको उतना ही इंडिपेंडेंस दिया गया है जितना कि इंडिया में आपको जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दिया गया है। तो देखिए, जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, CEC जिसे हम कहते हैं,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे अपॉइंट करते हैं, लेकिन अगर एक बार सीईसी को अपॉइंट कर दिया गया तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी को जवाबदेही नहीं देनी पड़ती। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट उसे रिमूव कर सकता है या फिर प्रेसिडेंट के पास उसे जाकर जवाब देना होगा, नहीं, उसे किसी को जवाब नहीं देना होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो इंडिया में। और अगर रूलिंग पार्टी या फिर जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कमीशन से नाखुश हो कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, तो एक तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सरकार किसी भी तरीके से रिमूव नहीं कर सकती है जब तक वो पावर में है, जब तक वो उस पोस्ट पर बैठा हुआ है। और इसके बाद बहुत ही कम इलेक्शन कमीशन, वर्ल्ड के जो इलेक्शन कमीशन है उनमें से बहुत ही कम ऐसे इलेक्शन कमीशन है जिनको इतने ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिले हुए हैं। तो आइए हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं आगे। जो अब देखें, बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के पावर्स के बारे में। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो ये डिसीजन लेता है कि इलेक्शन जो होगा उसका अनाउंसमेंट कब होगा और रिजल्ट का डिक्लेरेशन को कब होगा, और इन इस बीच में जितने भी काम होंगे इलेक्शन से रिलेटेड उसको वो पूरी तरह से करवाता है, और उसके उसके साथ जितने भी चीज़ें होंगी उनको वो कंट्रोल भी करता है। और इलेक्शन कमीशन ही है जो कि कोड ऑफ कंडक्ट को एक तरीके से इम्प्लीमेंट करता है और उस उन कैंडिडेट्स को या फिर पार्टी को पनिश करता है जो कि कोड ऑफ कंडक्ट को क्या कहते हैं, वायलेट करते हैं। और इलेक्शन पीरियड के दौरान, इलेक्शन के दौरान जो इलेक्शन कमीशन है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकती है उसके गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, और कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी पास कर सकती है जिसके जरिए वो सरकार के पावर को या फिर सरकार का जो रिसोर्सेज है उसके मिसयूज को प्रिवेंट कर सकती है, और एक तरीके से उन चीज़ों को रोक सकती है जिसके जिससे जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है वो अपने जीतने के चांसेस को बढ़ा सकती है। और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के तबादले या ट्रांसफर, इस तरीके के चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकती है इलेक्शन कमीशन। इसके बाद इलेक्शन ड्यूटी पर जब भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं तो ये सभी जो ऑफिसर्स होते हैं ये इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के अंडर में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑफिसर क्या कहते हैं, इलेक्शन ड्यूटी पर गया हुआ है तो वो उसको गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती है, उसको इलेक्शन कमीशन ऑर्डर दे सकता है, और गवर्नमेंट अगर उसे ऑर्डर देने की कोशिश करे तो वो एक तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा। अगर हम पिछले 15 सालों की बात करें या फिर उससे कुछ सालों पहले की बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने पावर, उसको जितने भी पावर्स मिले हुए हैं उसको एक तरीके से यूज़ करना शुरू किया है, और उसको एक तरीके से बढ़ाना भी उसने शुरू किया है। और ये अब एक तरीके से बहुत ही कॉमन हो चुका है इलेक्शन कमीशन के लिए कि सरकार को एक तरीके से डांट सके या फिर इस तरीके की चीज़ें कर सके, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये क्या कह सकते हैं डांट सके या इस तरीके की चीज़ें कर सके अगर वो किसी तरीके की खामी उसमें पाती है या फिर किसी भी तरीके की छेड़छाड़ उसमें इलेक्शन कमीशन को देखने की मिलती है। और जब इलेक्शन ऑफिशियल जो होते हैं वो इस ओपिनियन पर आते हैं कि एक इलाके में जो पोलिंग हुई है वो फेयर नहीं था या फिर चुनाव सही से नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ जैसी स्थिति है, तो वो पूरे कुछ बूथ पर या फिर पूरे कंस्टिट्यूएंसी पर फिर से चुनाव कराने का डिसीजन ले सकते हैं। और जो रूलिंग पार्टीज हैं वो एक तरीके से इलेक्शन कमीशन के कामों को पसंद नहीं करते कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो सही नहीं है, लेकिन उन्हें मजबूरी में ही इलेक्शन कमीशन को फॉलो करता है। तो देखिए, ये सभी चीज़ें जो हैं या फिर इलेक्शन कमीशन जो काम कर पाता है इतने फ्रीली और इतने एक तरीके से बिना किसी प्रेशर के, ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब इलेक्शन कमीशन को इतना इंडिपेंडेंट और इतना पावरफुल रखा गया है। अगर इलेक्शन कमीशन इतना इंडिपेंडेंट और पावरफुल नहीं होता तो फिर इतनी अच्छी तरीके से इलेक्शन हमारे कंट्री में नहीं हो सकते थे। इसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। तो देखिए, हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और काफ़ी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा जरिया है और आसान जरिया है ये चेक करने का कि इलेक्शन प्रोसेस का क्वालिटी क्या है और लोग इसमें कितने इंथुजियाज्म से पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए, अगर लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंथुजियास्टिक है, तो इसका मतलब यह है कि लोग जो इलेक्शन का रिजल्ट है उससे काफ़ी खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो फ्री और फेयर नहीं होगा तो लोग जो है वो
इलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। और यहाँ पर चार्ट दिया गया है जिससे आप समझ सकते हैं, इंडिया से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंडिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम को यानी कि इंग्लैंड को कंपेयर किया गया है। तो इंडिया के ग्राफ को अगर आप देखें तो या तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है या फिर वो स्टेबल है अपने लेवल पर। तो और वहीं आप यूके के देखें तो यूके का जो वोटर टर्नआउट परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लोग अब चुनाव में पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं पहले के मुकाबले। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो लोगों का पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में वो जनरली मेजर किया जाता है वोटर टर्नआउट से, यानी कि जितने एलिजिबल वोटर्स हैं उसमें से कितने परसेंट वोटर्स वोट देने आए। और पिछले 50 सालों में अगर हम बात करें तो यूरोप में वोटर टर्नआउट जो है वो एक तरीके से डिक्लाइन हुआ है, अमेरिका में भी डिक्लाइन हुआ है, लेकिन हम इंडिया में बात करें तो यहाँ पर वोटर टर्नआउट या तो अपने लेवल पर रहा है, स्टेबल रहा है, या फिर वो एक तरीके से बढ़ा है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर, इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो गरीब लोग होते हैं, पुअर होते हैं, इलिटरेट अशिक्षित लोग होते हैं या फिर अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, ये इनका जो वोट होता है ये बहुत ही लार्जर प्रोपोर्शन में होता है अगर हम इस मुकाबले देखें जो अमीर लोग होते हैं या फिर प्रिविलेज सेक्शन होते हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर करें वेस्टर्न डेमोक्रेसीज से जैसे कि यूएसए से, तो यूएसए में जो गरीब लोग होते हैं या फिर अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं या फिर हिस्पैनिक्स होते हैं ये चुनाव में उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जितना कि अमीर लोग और वाइट लोग करते हैं। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे तो इंडिया में अमीर लोग ज़्यादा इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि गरीब लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसके बाद तीसरा नंबर है नीचे। तो देखिए कॉमन पीपल जो है इंडिया में वो एक तरीके से इलेक्शन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझता है। वो ये बात समझता है, आम आदमी ये बात समझता है कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन के जरिए वो सरकार के ऊपर एक तरीके से प्रेशर बना सकता है या फिर उस पर दबाव डाल सकता है कि वैसे पॉलिसीज या फिर प्रोग्राम को वो फॉलो करे जो कि उसके लिए फेवरेबल है। और वो एक तरीके से उनका ये भी मानना है कि जो इलेक्शन है उनका, वो इलेक्शन में उनका वोट जो है वो बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। इसके बाद फोर्थ नंबर में जो वोटर्स का इंटरेस्ट है इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ये बहुत ही बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। और 2004 के इलेक्शंस के दौरान करीब एक तिहाई वोटर्स ने किसी न किसी तरीके के कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था और करीब आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड बताया था या फिर उसके नज़दीक बताया था। और इंडिया में करीब 7 में से 1 वोटर जो है वो किसी न किसी पार्टी का मेंबर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपोजिशन में पार्टी है वो जो रिजल्ट आता है उसके आउटकम को कितना एक्सेप्ट करती है। और इसका बात यह है कि जो जीतने वाली पार्टी होगी वो तो इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करेगी ही। तो आइए इस चीज़ को हम देखते हैं। तो देखिए एक फाइनल तरीका है जिसके जरिए हम फ्री और फेयरनेस चेक कर सकते हैं इलेक्शन का, कि जो इलेक्शन है उसके आउटकम को लोगों द्वारा किस तरीके से देखा जाता है। तो अगर इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर नहीं होगा तो उसका जो भी आउटकम होगा वो हमेशा पावरफुल को फेवर करेगा। इस सिचुएशन में जो रूलिंग पार्टी होगी वो कभी भी चुनाव नहीं हारेगी और इसके साथ ही जो हारने वाली पार्टी होगी वो एक तरीके से जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जो आउटकम है इंडिया के इलेक्शन का वो एक तरीके से इस चीज़ को साफ साफ बताती है। तो जो रूलिंग पार्टी है वो हमेशा एक तरीके से चुनाव हारती है, हर एक दो बार में चुनाव हार जाती है चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या फिर स्टेट लेवल पर। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो 3 बार में से हर एक 2 बार जो रूलिंग पार्टी है वो चुनाव हार चुकी है पिछले 15 सालों में। और वहीं यूएसए में अगर हम बात करें तो यूएसए में जो सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव होता है, वहाँ का सीनेटर होता है या फिर मेंबर होता है पार्लियामेंट का, वो शायद ही कभी चुनाव हारता है। लेकिन हम इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया का जो एमपी है या फिर एमएलए है वो रेगुलरली चुनाव हारता है। इस बार कोई जीत गया, अगले बार कोई जीत गया, उसके अगली बार कोई जीत गया, इस तरीके से।
तो देखिए, वैसे कैंडिडेट जो कि एक तरीके से जाने जाते हैं कि वो ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, जिन्होंने वोट खरीदे हैं या फिर जिनका क्रिमिनल कनेक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में चुनाव हारते हैं। और इसके अलावा अगर हम डिस्प्यूटेड इलेक्शन, बहुत ही लिमिटेड इलेक्शंस को छोड़ दें, उसके बाद जितने भी इलेक्शन आउटकम्स हुए हैं उनको लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, हारने वाली पार्टी द्वारा एक्सेप्ट किया गया है और कहा गया है कि ये जनता का आदेश है, यानी कि ये पीपुल्स का वर्डिक्ट है। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो देखिए, ये सभी चीज़ें जो हमने ऊपर देखी, तो इससे हमें ये पता चला कि इंडिया में जो है वो बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। और अब हम देखने वाले हैं कि आखिर फ्री और फेयर इलेक्शन जो है उसके सामने चैलेंजेस क्या है। तो देखिए, ये सभी चीज़ें मिलकर एक सिंपल कंक्लूजन में आती है कि इंडिया में इलेक्शन जो होते हैं वो बहुत ही फ्री एंड फेयर होते हैं। जो पार्टी इलेक्शन में विल कर जीतती है और सरकार बनाती है, वो इसलिए नहीं कि क्योंकि उसने कुछ गलत ट्रिक अपनाए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि लोगों ने उन्हें वोट दिया था उनके विरोधियों के खिलाफ। और ये हो सकता है कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए, हर एक चुनाव के लिए सही ना हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट जो हैं वो सिर्फ पावर, पैसे के दम पर या फिर अनफेयर मीन्स के दम पर चुनाव जीत कर आए हों, लेकिन अगर हम ओवरऑल जनरल इलेक्शन की बात करें तो उसमें एक तरीके से जनता का वर्डिक्ट सामने आता है, जनता का मूड हमारे सामने आता है। और यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस एक तरीके से रह जाते हैं पिछले कुछ 50 सालों में हमारे देश में, जहाँ पर पैसों का यूज़ करके चुनाव जीता गया है। और तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये एक तरीके से इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। तो देखिए, एक तरीके से जो हमारा पिक्चर है इंडिया के इलेक्शन का, वो हमारे सामने क्लियर तभी आ सकता है जब हम एक तरीके से डीपर क्वेश्चन पूछें। तो देखिए कि आखिर लोगों की जो मर्जी होती है, आखिर लोग किसे चुनते हैं, किसे वोट देते हैं, क्या वो रियली में नॉलेज के ऊपर बेस्ड है? क्या वोटर्स के पास रियलिटी में कोई चॉइस है कि वो चुन सके किसे हम चुनते हैं? क्या इलेक्शन जो है वो एक तरीके से लेवल प्लेइंग है सभी के लिए, जहां पर सभी लोग जाकर एक इक्वली कंटेस्ट कर सकते हैं? क्या कोई ऑर्डिनरी सिटीजन है वो इलेक्शन जीतने के लिए सोच सकता है, होप कर सकता है? तो ये सभी सवाल हैं जिनके जवाब एक तरीके से हमारे सामने आने चाहिए। तो देखिए, ये सभी सवाल जो हैं इनके जवाब आपको जब मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इंडियन इलेक्शन है उसके बहुत सारे लिमिटेशन हैं और चैलेंजेस हैं जो कि हमारे सामने आने चाहिए। और ये सभी लिमिटेशंस हैं, आइए हम इन लिमिटेशंस को आगे देख लेते हैं। तो देखिए, जो कैंडिडेट्स होते हैं या फिर जो पार्टीज़ होती हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है, और वो ऐसा हो सकता है कि वो श्योर ना हो उन अपनी जीत के बारे में, लेकिन उनके पास एक तरीके से एडवांटेज होता है, अनफेयर एडवांटेज होता है, और वो बहुत ही आसानी से खर्च कर सकती हैं पैसे, अपना प्रचार कर सकती हैं। और इसके मुकाबले अगर छोटी पार्टीज़ को देखें या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को देखें तो उनके पास ये डिसएडवांटेज होता है कि उनके पास उतना पैसा नहीं होता या फिर उतने रिसोर्सेज नहीं होते जो कि वो चुनाव जीतने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम कंट्री के कुछ पार्ट्स की बात करें तो वहां पर कैंडिडेट्स जो हैं जिनके पास क्रिमिनल कनेक्शन है वो एक तरीके से दूसरे लोगों को हटाकर और उन्होंने एक तरीके से टिकट प्राप्त किया है बड़ी पार्टियों से चुनाव लड़ने के लिए। और अगर एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि इंडिया में बहुत सारे पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, जो जहां पर जो फैमिलीज़ हैं उनका एक तरीके से कब्जा होता है, उस पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो एक परिवार के लोगों को ही टिकट दिया जाता है या उस पार्टी से उस परिवार से रिलेटेड रिलेटिव्स को ही टिकट दिया जाता है, और इस तरीके से पूरे पार्टी पर उस परिवार का कब्जा होता है। तो देखिए, कभी कभार ये भी होता है कि देखिए ऑर्डिनरी सिटीजन जो है उसके सामने एक तरीके से रियल चॉइस होता है। उसका रीजन ये है कि जो मेजर पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे के जैसी होती हैं, उनके पॉलिसीज एक जैसे होते हैं, उनके प्रैक्टिसेज एक जैसे होते हैं, उनके जो वर्क होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो इस वजह से जो वोट देने वाला आदमी है उसके पास रियलिटी में कोई चॉइस नहीं होता कि आखिर वो जिताए किसे। और इसके बाद नेक्स्ट, जो छोटे पार्टीज होते हैं या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक तरीके से बहुत ही डिसएडवांटेज होता है बड़ी पार्टीज के मुकाबले या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड कैंडिडेट होते हैं उनके मुकाबले। तो देखिए, ये जो चैलेंजेस हैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा जितने भी डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड में सभी जगहों पर एग्जिस्ट करते हैं। और ये
जो सभी चीज़ें हैं, ये बहुत ही एक तरीके से कंसर्न के टॉपिक्स हैं जो कि डेमोक्रेसी में है, उन लोगों के लिए जो कि डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। और इस वजह से जो सिटीजन्स हैं, सोशल एक्टिविटी एक्टिविस्ट जो हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो एक तरीके से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए, उसको थोड़ा सुधारा जाए। तो इसके लिए क्या आप कुछ रिफॉर्म सोच सकते हैं? अगर आप सोच सकते हैं तो आगे इसको आप याद रखें, आपके लिए फायदेमंद होगा, या फिर क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो क्या कोई ऑर्डिनरी सिटीजन इन चैलेंजेस को फेस कर सकता है, या फिर इन चैलेंजेस को क्या सुधारने के लिए या फिर फेस करने के लिए क्या कर सकता है? तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स